नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरा YouTube चैनल में। ये है रफ रूबी, बहुत बड़ा पीस है, लगभग 11 किलो का पीस, और ये पैक है, 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चलो इसको घुमा के दिखाता हूँ आपको। देखो ये इधर से भी कितना एकदम पिंकिश और रेडिश का मिक्स है, एकदम अच्छा बढ़िया वाला रफ रूबी है। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा इसका कलर, और ये जो साइड कंप्लीट उसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये उसका कवरिंग है। इसको हटाने के बाद इसमें बहुत सारा ज्वेलरी का बनाने वाला आइटम, अंगूठी को बनाने वाला आइटम, सब कुछ बनता है। चलो देखो इसको भी दिखाता हूँ, थोड़ा इसको पानी डाल के आपको ये अंदर नेचुरल लाइट के नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एकदम बढ़िया वाला पीस है और अच्छा कलरफुल पीस है इसका। ये कर्नाटका का बहुत सारा जो डिपॉजिट कहा जाता है उसका, उस जगह का है। मैं आपका भी पूरा डिटेल बता देता हूँ, ये कहाँ का है, किधर से आया है, कैसा है, आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। देखो ये इंडिया कर्नाटका बोल के एक स्टेट है, वहाँ पे मडिकेरी वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से थोड़ी दूर बागमंडला बोल के, वहाँ पे बहुत सारा रिच ऑफ कलेक्शन रहता है, बहुत सारा सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस जेमस्टोन, हर प्रकार का जेमस्टोन यहाँ कर्नाटक में मिलता है। ये जैसे भी निकाला है, जैसे नेचुरल अर्थ से निकालते हैं, वैसा ये पीस आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको देखो। अगर आपके यहाँ पे भी कहीं पे भी मिले तो ये वैल्यूएबल रहता है, तो इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। देखो एकदम ये बड़ा बड़ा पीस 11 किलो का और ये 7.5 किलो का। अभी ये है बागमंडला रूबी, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट रूबी, मतलब बागमंडला में जो मिलता है वो ट्रांसपेरेंसी रहता है। अभी ये आपको देखने पे आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं लगेगा, लेकिन आफ्टर कटिंग इट विल बिकम 100% ट्रांसपेरेंसी। आपको दिख रहा होगा कि नेचुरल लाइट में इसका लस्टर कैसा दिख रहा है इन रफ इटसेल्फ ओनली, और बहुत सारा घाटियों में यहाँ वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा माल आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ये कर्नाटका से जितना भी माल जयपुर जाता है वो लगभग 45% आपको कर्नाटक से ही जाता है जयपुर के लिए, जो इसको कटिंग करके बहुत अच्छे उम्दा दामों में बिकाया जाता है, और बड़े बड़े एग्जीबिशंस भी लगते हैं यहाँ पर, और यहाँ से बैंकॉक भी जाता है हर प्रकार। ये है बागमंडला से थोड़ी दूर, लगभग अराउंड 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर सुब्रमण्या बोल के जगह है, वहाँ पर भी आपको घाटियों में ऐसा छोटा छोटा रूबी स्टोन मिलेगा, जिसमें हम लोग हेक्सागोनल कट शेप बनाएंगे और ज्वेलरी को बैठने वाला कुपुकन कट, कुभूषण कट, कुशन कट, हर प्रकार का कट जो नेकलेसों में, अंगूठियों पे, ये सब कुछ कटिंग पे जाएगा, और इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है कि स्टार रूबी मिल जाए। आप स्टार रूबी को भी चेक कर सकते हैं इन द गूगल इटसेल्फ ओनली, आजकल सभी के पास तो फ़ोन रहता ही रहता है, तो आप गूगल से जाकर हर एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप देखो इसका कलर एकदम बढ़िया है नेचुरल लाइट में, और ये मैंने एक पतीले में डाल के आपको दिखा रहा हूँ कि ये छोटा साइज का हो तो भी एकदम मस्त लग रहा है। और ये है बीबी, ये बीबी स्टोन है, ये भी ये रूबी ही है, लेकिन ये भी थोड़ी दूर पर है, मतलब 70 किलोमीटर दूर पे, ये भी आपको उसी कोरगु डिस्ट्रिक्ट या फिर मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के बीच में मिल जाएगा। इसका भी अभी किसी के पास स्टॉक नहीं है, इसको भी स्टॉक हमारा अच्छा लगे वो हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमको
आप कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं। देख जब नेचुरल लाइट के अंदर रखते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी थोड़ी दिखती है, बहुत सारी नहीं थोड़ी थोड़ी दिखती है, लेकिन आफ्टर कटिंग इट विल बी 100% ट्रांसपेरेंसी। जो कोई भी इंटरेस्टेड है मुझे DM करो। ये ऊपर वाला जो भी है वो उसका कवरिंग है, जब वो कवरिंग हट जाएगा तो एकदम ट्रांसपेरेंसी माल आपको मिलेगा, और ऐसा क्वालिटी का माल इंडिया में सिर्फ कर्नाटक में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये DM करो। ये बेहतरीन से बेहतरीन सैंपल्स वीडियोस आपको मैं YouTube चैनल के ज़रिए से आपको थोड़ी सी बहुत नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे आपके एक लाइक से मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और आप तो जानते हो अभी आजकल हमको एक लाइक मिल जाए तो वही बड़ी बात है। आप ऑडियंस के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हमको एक लाइक तो बनता है यार। आपको इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहुंचाता रहूँगा, रहिए तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अगली बार आपको किसको पता है आपको कुछ मिल जाए। इट विल बी बोलते हैं ना किस्मत बदल देने वाला लम्हा।